रीट का पेपर देने वालों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। जब पेपर शिफ्ट्स में होता है तो अक्सर बच्चे ये डिमांड करते हैं कि उनका पेपर हार्ड था या उनका इजी था या कैसे भी। तो जब ऐसा इजी और हार्ड वाली कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो नॉर्मलाइजेशन से जिन बच्चों का हार्ड पेपर था, जैसे कि अभी 23rd की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो बोला जा रहा है, और कुछ 24th की थर्ड शिफ्ट जो हुई थी सुबह वाली उसको भी कह रहे कि हार्ड था, लेकिन 24th की जो शाम वाली शिफ्ट थी कुछ कहते ईजी है, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है तीनों ही शिफ्ट में उन्होंने इस बार अच्छे लेवल का पेपर बनाया था, क्योंकि पिछली बार हमने कुछ ज़्यादा ही कह दिया था कि ये कोई पेपर था। तो इस बार उन्होंने पूरी कसर निकाली है, किसी की CDP हार्ड कर दी, तो किसी का जो सब्जेक्ट था वो हार्ड कर दिया, किसी की हिंदी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए फर्स्ट लैंग्वेज में या सेकेंड लैंग्वेज में। खैर, तो अब नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर ये हुआ तो आपको फ़ायदा है या नुकसान। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 5 या 10 मार्क्स का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है किसी भी शिफ्ट में, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आने वाला। तो अगर आपके 110 अक्रॉस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अगला पेपर पढ़िए, लेकिन अगर आप करके ही 90 का आए हैं यानी कि 90 मार्क्स, तो फिर कुछ सोचने का विचार है, तो फिर भगवान को याद करिए। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सभी कह रहे हैं हार्ड है, उन्होंने अपने लेवल से बनाया पेपर। हाँ, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपको बोनस ज़रूर मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा इस बार मुझे नहीं लगता कि होगा कि आपके नंबर अगर 90 है तो उसे 80 कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो 82, 83 आ रहे हैं उनको 90 तक लेके आया जा सकता है अगर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये अपनाते हैं तो। बनी रही एग्जाम जी जाने के साथ। अब आने वाले समय में हम करने वाले हैं RBSE की साइंस, RBSE की ही जो राजस्थान अध्ययन है, और NCERT के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस, और हाँ, मैथ्स की इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है और अगर आप ये सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। बनी रही एग्जाम जी के साथ। थैंक यू सो मच।